तो देखो मैक्सिमम लगभग आपका ऑक्सीडेशन जो था वो लगभग 70% के अबव कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने जाने ओजोनोलाइसिस। ये ध्यान देना, ये सबसे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना भी आप पढ़ने जा रहे हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा अप्लीकेशन है, बस ध्यान से उसको हमेशा सुनते रहना कि रिएजेंट क्या यूज़ हो रहा है, कैसे नहीं यूज हो रहा है। तो आपको ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस नाम से पता चल रहा है भाई ओजोन वगैरह होगा, ठीक है, ओजोन होगा, ओजोन, ओजोन, ओ थ्री, ध्यान देना, ओ थ्री, ठीक है, ओजोन, ओजोन के ओ थ्री बोलते हैं। तो ओ थ्री के स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ओ ऐसे, और ये ओ नेगेटिव और ये ओ पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं ओजोन, ओजोनोलाइसिस। तो ध्यान देना कि ओजोनोलाइसिस जो होता है वो दो तरीके की होती है, दो तरीके की ओजोनोलाइसिस होती है, एक होती है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, एक होती है रिएक्टिव ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक मैं बोलता हूँ रिएक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो बोलोगे सर ये क्या है ऑक्सीडेटिव, ये क्या है रिडक्टिव। देखो ओजोनोलाइसिस में ओजोन तो रहेगा इसमें, रिडक्ट ओजोन तो हमेशा रहेगा दोनों में, ओजोन रहेगा इसमें, ओजोन रहेगा इसमें, ठीक है। ओजोन वर्क क्या करता है बताते हैं, ओजोनोलाइसिस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा, ध्यान देना, यहाँ H2O2 लेंगे, क्या लेंगे, H2O2 लेंगे, H2O2 लेंगे, तो H2O2 लेंगे तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, सॉरी ये इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। मतलब कहीं भी अगर पेरोक्सी आ जाए, कहीं भी पेरोक्सी कंपाउंड आ जाए, पेरोक्सी आ जाए, कहीं भी पेरोक्सी आ जाए, कोई भी पेरोक्सी, H2O2 बस नाम कर लिया हूँ, कोई पेरोक्सी एसिड आ जाए तो वो ओजोनोलाइसिस होता है ऑक्सीडेटिव। और यहाँ मान लो अगर Me2S आ जाए, Me2S आ जाए, और आपके पास ZN आ जाए, PPS3 आ जाए, ये सब आ जाए, कहीं आपका ये सब आ जाए, मतलब इसे लोन पेयर कंटेनिंग वाली चीज़ें आ जाए और यहाँ मेटल आ जाए ओजोन के साथ, तो हमेशा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो ध्यान देना अब क्या है ऑक्सीडेटिव, क्या है रिडक्टिव। अगर मान लो कि ये मेरे पास ये है, ये एल्कीन है, ये ऐसे एल्कीन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एल्कीन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। क्या होता है, एल्कीन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। मैकेनिज्म बता दूंगा, पहले बस ये है कि प्रोडक्ट क्या बनता है, क्या नहीं बनता है वो पता करते रहे, फिर मैकेनिज्म में बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ब्रेक होता है, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हमेशा आपके पास कीटोन बनता है। क्या बनता है कि मतलब डबल बॉन्ड हो लगता है बस, अगर वो एल्कोहल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एल्डिहाइड बन जाएगा, नहीं तो कीटोन बन के छूट जाएगा, ऐसे ये बनता है। लेकिन इसमें वाले में ध्यान देना, अगर यही मान लो, चलो H ले लेता हूँ, H ले लिया, ज़्यादा अच्छा समझने के लिए, तो यहाँ क्या होता है H ले लिया। तो जब H ले लेते हैं तो पहले क्या होता है कि ये तो ब्रेक होता है, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, उसके बाद H2O2 डाल देते हो, तो H2O2 डालने पे फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था ना, कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, H2O2 रहता है, तो H2O2 रहता है, न्यूक्लियोफाइल तरीके ऐड करता है, और बेयर ब्लेजर रिएक्शन तो नहीं करता था, बेयर ब्लेजर रिएक्शन H2O2 के साथ के OH नेगेटिव डाल दो, तो ये क्या करेगा, ये OH नेगेटिव इधर करेगा, यहाँ जाके बनेगा, ये तो बनेगा ही, यहाँ O नेगेटिव और ये O और ये H और ये H ऐसे आएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, ये जैसे ही ये कमबैक करेगा, यहाँ से ये कमबैक करेगा, ये इसको अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, इसको बाहर निकालेगा, या इसको, या एक पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बाहर निकले, ये इसको निकाल दे, सेकेंड वाला। तो हमेशा बताया था H नेगेटिव ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है किसी आर से, आर आपका चाहे टर्सरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे तो प्राइमरी हो, सब बताया। तो ये वाला नहीं हो पाएगा फर्स्ट वाला, और निकलेगा क्या, तो ये निकलेगा सेकेंड वाला। तो यहां से देखो आर क्या बना, आर सी और ये एच कहाँ चला गया, एच पे, इस पे। तो ऐसे ध्यान देना, ऐसे होता है, ठीक है। अगर मान लो एच की जगह यहाँ आर हो तो एस्टर बन जाता है, और सारा ये बेयर ब्लेजर रिएक्शन का आपको मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बता रखा है, कैसे आपको सेलेक्ट करना है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये ध्यान देना, इसमें ये कीटो, ये एल्डिहाइड है, कीटोन तक कन्वर्ट हो जाता है, इसमें एसिड या एस्टर तक कन्वर्ट होता है, अगर हाइड्रोजन है तो एसिड तक कन्वर्ट हो रहा है, अगर आर है तो एस्टर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई एच है तो एल्डिहाइड, नहीं तो अगर एच की जगह आर
क्षार है तो कीटोन तक कन्वर्ट होता है। ये इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। और एक पॉइंट स्टार मार्क ये लिखना कि ओजोन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज अ स्टार मार्क लिखना, ओजोन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाला एल्कीन पे पहले अटैक करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाले एल्कीन पे पहले अटैक करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी ज़्यादा ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा नंबर आप अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वो ज़्यादा क्या कहते हैं उस पर होगा। और बाकी मैंने पीछे बहुत सारे ऑर्डर आपको लिखवाए हैं कौन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच में कौन ज़्यादा होता है कौन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब सिस ट्रांस की बातें आएंगी तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सिस वाला होता है इसमें जल्दी अटैक इसमें जल्दी क्या कहते हैं आपका बनता है, ठीक है। सिस ट्रांस एल्कीन में ध्यान देना कि सिस वाला जो एल्कीन होता है इसमें जल्दी प्रेफरेंस मिलता है एज कंपेयर ट्रांस वाले एल्कीन में, ठीक है। ट्रांस वाले एल्कीन में, ठीक। तो ये हमेशा ध्यान दिए रहना ये बातें। और इनसे दोनों को हमेशा ज़्यादा मिलता है इसको इनसे जो दोनों को हमेशा ज़्यादा मिलता है इनसे। तो ये एक एल्कीन का जिसमें सब नंबर ऑफ का वो सिक्स अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, सिक्स अल्फा हाइड्रोजन इसमें है और सिक्स अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। तो बस इन तीनों में डिफरेंस है, बाकी सब में तो क्या कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसी न किसी में एक में नाइन होंगे, ट्वेल्व होंगे, टो होंगे, थ्री होंगे, जिसमें होंगे जैसे भी काउंट कर लेना। बस अगर ऐसे आ जाए तो हमेशा ध्यान देना ये वाला ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद ये सिस वाला आता है, फिर उसके बाद ट्रांस वाला आता है। ये भी जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसा आप ऐसे क्यों कह रहे हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया क्या कैसे होना है क्या कैसे नहीं होना। ओजोन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान देना इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच पे पहले अटैक करेगा, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाला पहले ओजोन पे अटैक करेगा तो उसका पहले क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये ओजोनोलाइसिस चल रहा है। तो आप देखो ठीक, तो अब देखो जैसे ये सारी चीज़ें आगे कट करता हूँ, ये मैं इतना लिख दिया, इतना सा आगे चलता हूँ। देखो अब जैसे देखो शॉर्टकट में देखते हैं क्या कैसे चलता है। तो सबसे पहले तो ओजोनोलाइसिस होता है कैसे वर्क करता है देखना। ओजोनोलाइसिस होता है जैसे मान लो आपके पास ये है और ओजोन कैसे होगा, ओजोन आपका ये ऐसे डबल बॉन्ड ओ और यहाँ ये ओ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्या करेगा पहले एल्कीन बॉन्ड इस पर अटैक करता है, ध्यान देना पहले एल्कीन अटैक करता है इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये ना मत अटैक करा देना, पहले क्या होता है इस पर कि पहले ये बॉन्ड ब्रेक होता है, पहले ये यहाँ गया और ये तब इसके बाद यहाँ अटैक करता है। तो ये बन गया आर और ये आर R और O और O और O और ये O O O आपस में बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, क्या होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा ये तीन एक साथ जो O होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से क्या होता है ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ जाता है और ये यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, देखो अब R बना और देखो यहाँ कैटायन बना नहीं कैटायन बना और O नेगेटिव बना नहीं बना। तो अब यहाँ से देखो क्या बना, ये बन गया आपके पास, ये आपके पास क्या डबल बॉन्ड कीटोन बना नहीं बना, ये बना नहीं बना, ये बना। अब देखो ये बना, अब फिर ये क्या करेगा, ये एक तरीके से क्या करेगा, ये अब कीटोन बना, ये कीटोन बन गया जैसे ये आर बना, तो ये वाला क्या करता है ये वाला इधर अटैक करता है और यहाँ बनता है नेगेटिव और ये नेगेटिव इससे ज्वाइन हो जाता है। तो अब देखना कैसे ज्वाइन हो रहा है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ देखो ये बना होगा कीटोन क्योंकि ये यहाँ गया होगा और ये यहाँ गया, ये बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, गया तो कैटायन बना क्योंकि अनस्टेबल था, ठीक है। फाइव मर्डिंग में ये तीन ऑक्सीजन आपस में अनस्टेबल होते हैं, एक अगर कहीं एक साथ जुड़े हों, ठीक है, दो हो तो ठीक है, तीन अनस्टेबल हो जाते हैं। तो देखो ऐसे लिख दूं, ऐसे डबल बॉन्ड ओ आर आर, तो अब क्या करेगा, अच्छा बोलेगा अच्छा भाई तुम बन गए नेगेटिव, तो यहाँ से अटैक किया, यहाँ बना नेगेटिव, यहाँ बना नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इससे अटैच हो गया, तो ठीक है। तो क्या बना, अब रियल में ट्रांजिशन स्टेट क्या बना, ये आर आर और देखो ये ओ और ये ओ, अब ये ओ और यहाँ कार्बन, यहाँ ये, अब इसी को रियल कभी इंटरमीडिएट पूछ लेना तो अब इसे पूछेगा तो है नहीं, कभी आज तक पूछा है नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो ये है आपका इंटरमीडिएट, वो अनस्टेबल हो तो वो ट्रांजिशन स्टेट है, ये सब ट्रांजिशन स्टेट है और ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करते हो आप, देखो अब इसमें क्या होता है कि आप आपके क्या करते हो कि इसमें ये
आप Me2S लेके आते हो, जब Me2S लेके आते हो तो क्या बनता है, जब Me2S लेके आते हो तो ये Me2S क्या करता है, ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक किया, जब इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ तो ये वाला यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, ऐसे ये डबल बॉन्ड होता है। तो ये मतलब क्या हुआ कि ये इस पर ज्वाइन हो जाता है, ये इस पर अटैक करके बॉन्ड बनाता है, ये इसको ब्रेक किया और ये इसको ब्रेक किया तो ये यहाँ से इसको निकाल दिया, ठीक है। तो एक तरीके से वो ये क्या हो जाता है, Me2S डबल बॉन्ड O निकल बन के बन जाता है ऐसे, और यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड ओ और यहाँ से क्या कहते हैं डबल बॉन्ड ओ और ये आर बन के निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमेशा आपको ध्यान में रखना है क्या कैसे होना है क्या कैसे नहीं होना है, ठीक है। तो अब ये ध्यान देना कि ये हमेशा ऐसे बनता रहता है, और अगर आपके पास क्या होता है फर्दर ऑक्सीडेशन नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को कैप्चर करके रख लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट बनते रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि कैसे क्या और होता रहता है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये समझ में आया कि कैसे क्या बना, तो इसीलिए क्या हुआ अगर सिस वाला जल्दी अटैक करेगा क्योंकि हिंड्रेंस कम हुआ, सिस वाला जल्दी अटैक करेगा एज कम्पेयर ट्रांस, क्योंकि थोड़ा बहुत रिपल्सन करते रहेंगे, ट्रांस रहेंगे। सिस वाले में क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा तो उतना रिपल्सन नहीं करेंगे, सिर्फ सिस वाला जल्दी होता है। लेकिन यहाँ वाले में क्या होता है, भाई दोनों रिपल्सन इक्वल है, ये वाला उससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस चक्कर में ये हमेशा ध्यान देना, जो पीछे ऑर्डर लिखवाया था वो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो आपके पास ये है ये और ये CH3, ये CH3 और ये आपके पास आ गया CH3 और ये आपके पास आ गया H, इसमें डाल दिया आपने Me2S H2O2, ठीक है, H2O2 डाल दिया, इसमें डाल दिया आपने ओजोनोलाइसिस डाल दिया, इसमें ओजोनोलाइसिस डाल के आपने पहला ओजोनोलाइसिस डाल दिया, सेकंड में आपने डाल दिया इसमें H2O2 OH नेगेटिव डाल दिया। तो पहले इसमें क्या होगा, इसमें देखो पहले दोनों कीटोन बनेंगे, पहले तो दोनों कीटोन ऐसे बनेंगे CH3 और यहाँ बना CH3 और यहाँ बना क्या ये H, ध्यान देना, या तो ऐसे लिख देता हूँ सीधा समझ में आएगा। देखो CH3 डबल बॉन्ड ओ CH3 यहाँ से ब्रेकिंग हुआ, ठीक है, यहाँ से पहला स्टेप यही हुआ होगा और H यहाँ तो भाई यही बनेगा CH3 अब प्लस यहाँ CH3 OH, यहाँ तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना। अब यहाँ देखो अब ये दो प्रोडक्ट बने, इधर पड़े दो प्रोडक्ट, अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, सबसे ज़्यादा जरूरी बात है किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये सबसे ज़्यादा हमें जरूरी बात जो जाननी है, तो हमेशा ध्यान देना कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हम जब क्या करेंगे, अब आपके पास OH नेगेटिव है, ध्यान देना OH नेगेटिव है, ये O और ये OH नेगेटिव, किस पे अटैक जल्दी कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है जल्दी या इस पे, ऑब्वियस सी बात है इस पे एंड्रेंस कम है, मतलब ये प्लस आई दे रहा है, लेकिन ये दोनों तरफ से प्लस आई दे रहा है, इधर से ये एक ही तरफ से, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको ऑक्सीडाइज कराने के बाद क्या बना देगा, एसिड बना देगा। इसमें क्या बनेगा, इसको कीटोन बना के छोड़ देगा। उसमें क्या था जो पहले बता रहा था, उसमें दोनों चीज़ें सेम थी, जब दोनों प्रोडक्ट सेम आ गए तो अभी देखेंगे एग्जाम्पल, तो इसमें एसिड बना और कीटोन बना, एसिड और कीटोन बना क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट हम लिए थे। तो हमें चूज करना है किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये हमारे चीज़ें बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है, ये कैसे हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई, कैसे जा रहे हैं कैसे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे क्या कहते हैं, ठीक, आगे देखो, वो देख रहा था थोड़ा सा क्या है कैसे, चलो अब आगे चलते हैं। देखो जैसे यहाँ क्या था, ऐसे मान लो यहाँ आपने ये ले लिया R ले लिया और यहाँ आपने हाइड्रोजन ले लिया, तो अब आपको देखना नहीं है, आँख बंद कर लेना है, अगर ऑक्सीडेटिव ऐसे लिख दे, देखो ऐसे लिख दे और सेकेंड पे लिख दे
OH नेगेटिव देख लेना, H2O2 OH नेगेटिव लिख दे, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपके पास ये कन्वर्ट हो गया आपके पास। और अगर मान लो कभी कभी यहाँ ये भी लिख दे ये, तो ये भी समझ लेना कि भाई ये मत समझ लेना कि पहले ये बस किसको में डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर रहा है, बस ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करने का एजेंट है, ठीक है। डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करने का एजेंट है, ठीक है, ये रिएजेंट है, ठीक है। तो Me2S, तो ये देखो ये कन्वर्ट हुआ। अब फिर ये क्या करेगा भाई, दो मोल बनेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। और मान लो कहीं ऐसा लिखा हो ये हो, और कहीं मान लो ऐसा लिखा हो आपके पास, ऐसा लिखा हो कि ओजोनोलाइसिस लिखा हो ऐसे Me2S, और सेकंड पे आपके पास लिखा हो LiAlH4, ठीक है, इसको भी रिडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना कि जब इसमें ये आ जाए तो ऑक्सीडेटिव हो गया, ये आ जाए तो रिडक्टिव कॉम्बिनेशन को, या इसको भी आ जाए तो जस्ट रिडक्टिव बोलते हैं, ये ला दे तो और अच्छा रिडक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो ये बना होगा, ये एल्डिहाइड बना होगा। अब फिर उसके बाद पहले स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, LiAlH4 इसको रिड्यूस किया होगा, रिड्यूस किया होगा। तो ये CH2OH में जाएगा नहीं जाएगा, पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और इसी को बोलते हैं रिडक्टिव क्लीवेज, मतलब इसमें रिडक्शन, पहले ये हुआ ऑक्सीडेशन, फिर आपको बाद में रिडक्शन हुआ। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर रहे हो यहाँ, और एसिड बना रहे हो यहाँ, अल्कोहल बना रहे हो। ये बात हमेशा ध्यान दे रहा है कि किस तरीके से क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, ठीक है। तो LiAlH4 ले लिया, ये ले लिया, तो ये बहुत सारे रीजेंट आप लेके देखो। एक्चुअली क्या, ये बेसिकली क्या है, ये जस्ट ब्रेकिंग करता है, और ये ऑक्सीडेशन कर देगा इसका यहाँ ले जाके, ठीक है। ये पढ़ाया हूँ कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा तो एसिड बनाएगा यहाँ, फिर इसके ये पढ़ाया हूँ कि अब एल्डिहाइड बनेगा तो इसका रिडक्शन क्या कहते हैं, अल्कोहल में कर देगा। तो ये आपका क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस था, किस तरीके से ओजोनोलाइसिस वर्क करती है, ठीक है। तो आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये लिख लेना अच्छे से, ठीक है। देखो अब आपसे पूछें कि बताओ भाई इसमें आपके पास ये है, ऐसे कभी मान लो एग्जाम में पूछ लें CH3, और आपके पास बोलें ऐसे CH3 है, तो बोलेंगे कि चलो इसमें डाल दो Na लिक्विड अमोनिया डाल दो, पहला बोलेंगे कि Na लिक्विड अमोनिया डाल दो। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के ग्रुप के पास में हमेशा क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड होता है एक। और देखो पहले किसी एक को फिक्स करो, एक को फिक्स कर दिया इधर पास में पाई बॉन्ड, या इधर पास में पाई बॉन्ड, और ठीक है पास में पाई बॉन्ड हो गया। फिर इधर हो गया sp3 कार्बन हो गया, ठीक है, sp3 कार्बन हो गया, और बीच में फिर क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा ऐसे कहीं sp3। तो अब यहाँ से देखो कहाँ पॉसिबिलिटी है, इधर से इधर इधर, तो ये देखो यहाँ CH3 आएगा नहीं आएगा, यहाँ कहीं तो आ ही सकता है ना CH3, ऐसे आ सकता, नहीं आता था। पाई बॉन्ड पर रखना, यहाँ मत रख देना कि अरे सर 1 2 3, भाई इधर से देखो 1 2 3, यहाँ मैक्सिमम आपको हमेशा स्टेबिलिटी चेक करना है, और ये सब पढ़ाया हूँ, आप जाके पीछे चेक करो, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में तो जाके पीछे जाके चेक करो, या आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ये कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि अब मतलब मैं आपको अब ये भी पढ़ाता रहूँ, ये बार बार एक बार पढ़ाया और ट्रिक बता रहा हूँ कि पहले डबल बॉन्ड करो तो फिर यहाँ CH3 लिखो, फिर ऐसा सेट करो डबल बॉन्ड उसके पास कहीं CH3 आ जाए, पहले तो sp3 आ लिखे sp3, फिर यहाँ देखो 1 2 3 पोजीशन पे CH3 था, अब देखो यहाँ 1 2 3 पोजीशन पे CH3 नहीं CH3 है, तो आगे नहीं आ गया समझ में, ठीक है। तो अब इसका क्या करो, आप ओजोनोलाइसिस कर दो, ओजोनोलाइसिस करोगे तो देखो दोनों एल्कीन पे सब कुछ सेम है, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, सब कुछ सेम है, तो ठीक है, सब कुछ सेम है तो ब्रेक हो जाएगा। तो जब यहाँ से ब्रेक होगा तो ये देखो CH3 C, और डबल बॉन्ड ओ लगाओगे यहाँ ब्रेक करके ऐसे, और यहाँ देखो डबल बॉन्ड ओ लगाओगे यहाँ CH3, और यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ओ H, तो ये बने नहीं बना, ये बना ना, ये दोनों प्रोडक्ट बने, तो ये ध्यान में लिखे रहना। और ये सब चीज़ें मैं बर्थ रिडक्शन पहले पढ़ाया हूँ, बार बार वो चीज़ें दोहराएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तो ये गलती आपकी है, ठीक है, गलती आपकी है, इसलिए आपको ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी, और ट्रिक आपको मैंने पहले बता दिया कहीं सारी, ठीक। तो ये हो गया, अब देखो ये बनेगा प्रोडक्ट, आगे मान लो ओजोनोलाइसिस करके वही Me2S दिया हुआ है, बाद में मान लो इसमें कुछ भी दे दे आपको आगे रिएजेंट, तो आपको कीटोन से कैसे चीज़ों को कन्वर्ट करना है ये आपको खूब अच्छे तरीके से पता है, कीटोन से कितना तरह KMnO4 दे दे आगे, कुछ भी दे दे आपको, रिड्यूसिंग एजेंट दे दे, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे, तो आपको हमेशा सब कुछ पता है कैसे आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना, कीटोन के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, ठीक। देखो अगर मान लो कि मेरे पास ऐसे आ जाए,
ये आ जाए ओ एम ई आ जाए और यहाँ आ जाए एम ई, ओ एम ई आ जाए ओ एम ई आ जाए। तो इसमें मैंने डाल दूँ एन ए लिक्विड अमोनिया, एन ए लिक्विड अमोनिया, एन ए लिक्विड अमोनिया, एन ए लिक्विड अमोनिया डाल दूँ, एन ए लिक्विड अमोनिया डाल दूंगा। तो एन ए लिक्विड अमोनिया डालूंगा तो देखो क्या होगा, एन ए लिक्विड अमोनिया डालूंगा तो सबसे पहले क्या होगा कि भाई इसमें रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो भाई मोर डोनर ग्रुप कौन सा है, मोर डोनर ग्रुप ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में पहले लगाएंगे एल्कीन, क्योंकि डोनर ग्रुप के साथ साथ डोनर ग्रुप के साथ एल्कीन होता है। अब इसके देखो पैरा पोजिशन पर एमी है, तो 1 2 3 पैरा पोजिशन पर एक एमी बनाओ, एमी बनाओ। अब यहाँ देखो यहाँ sp3 यहाँ sp3 रखना है, तो एक पाई बॉन्ड कहाँ रखो, यहाँ एक पाई बॉन्ड यहाँ रखें, एक पाई बॉन्ड यहाँ रखेंगे। तो अब देखो यही ये बना कि नहीं बना, ये बना रिडक्शन होके पढ़ाया हूँ ये सब चीज़ें कैसे आया है, कैसे यहाँ से यहाँ रिडक्शन करके गया है, ठीक है। अब मान लो इस पर डाल दे ओजोनोलाइसिस एक इक्विवेलेंट Me2S, ठीक है डाल दें। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अब बताओ, अब दो एल्कीन है, कौन सा एल्कीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वाला देखो ओ एम ई लगा कि नहीं लगाया, तो ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच क्योंकि प्लस एम लगा रहा है, और ये केवल प्लस आई लगा रहा है इस पे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो ब्रेक कौन सा करेगा पहले, यही वाला आपका ब्रेक करेगा, यही वाला आपका ब्रेक करेगा। उसमें क्या था, दोनों सेम थे, इसलिए दोनों ब्रेक हो गए, दोनों सेम थे तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, तो कौन सा ब्रेक करना है कौन सा नहीं। तो इसमें क्या होगा, केवल एक ही ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, इसमें यही यही वाला केवल ब्रेक होगा, बाकी ये वाला एस्टिज रह जाएगा। ध्यान देना, पिछले वाले में आप ही मत कह रहे सर आपने वहाँ दोनों ब्रेक कर रहे थे, भाई दोनों वहाँ सेम थे, आप पीछे बैक करके देखना, दोनों एकदम सेम थे, तो सेम थे तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, दोनों ब्रेक कर दूंगा भाई, पता नहीं चल पाएगा ना कौन ज़्यादा है कौन कम। इसमें क्या है, ये पता चल गया ये भाई मोर इलेक्ट्रॉन रिच है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। और पहले बताया कि जो आपका क्या कहते हैं ओजोन होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तरीके वर्क करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तरीके वर्क करता है, तो भाई मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाला उस पर अटैक करेगा तो भाई क्लीवेज होगा। तो देखो यहाँ यहाँ क्लीवेज हुआ, तो ओ डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री यहाँ से ये, और यहाँ से देखो डबल बॉन्ड ओ और यहाँ एम ई, यहाँ देखो ये और ये देखो डबल बॉन्ड ओ और ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो देखो ये बना नहीं बना, ऐसे बना नहीं बना, ऐसे बना नहीं बना, तो ये इसका क्या हुआ, इसका फाइनल प्रोडक्ट बना, इसका फाइनल प्रोडक्ट, इसका फाइनल प्रोडक्ट यही है, ठीक है। और ओजोनोलाइसिस कराने के बाद फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें पता है कि इस पर क्या कैसे कहाँ क्या अटैक करा दे, कि भाई एल्डिहाइड का रिडक्शन करना है, ऑक्सीडेशन करना है, एल्कीन का रिडक्शन करना है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है, कैसे करना है, ये डाईऑल से करना है एल्कीन का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करना है, विल्किंसन कैटलिस्ट, बहुत सारी आगे वो रीजन देके पूछ सकते हैं। तो बस मेरा काम ये था कि आपको यहाँ बताना कि कैसे आगे जाता है, बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि भाई एस्टर इसका रिडक्शन करना है तो मुझे एस्टर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसका क्या कैसे होगा वो सारी चीज़ें आपको पता है। अगर एल आई एल एच फोर लाएंगे तो पहले बताओ एल्डिहाइड रिड्यूस होगा पहले एस्टर, भाई एल्डिहाइड पहले रिड्यूस होता है, एल्डिहाइड पहले रिड्यूस होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड पहले रिड्यूस होता है एल आई एल एच फोर में, पहले एल्डिहाइड रिड्यूस होता है क्योंकि एल्डिहाइड जल्दी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि एन ए बी एच फोर ले आऊँ तो एन ए बी एच फोर में तो एस्टर रिड्यूस ही नहीं होता, एस्टर की बात ही खत्म हो गई, उसमें भी एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान देने का, एल आई लिखाया हूँ कि एल आई एल एच फोर एस्टर और एल्डिहाइड सबको रिड्यूस करता है, लेकिन अगर एल्डिहाइड और एस्टर में चूज करना हो क्या कहते हैं एल आई एल एच फोर को, तो वो हमेशा पहले एल्डिहाइड को चूज करेगा, क्योंकि यहाँ देखो प्लस आई लग रहा है, यहाँ यहाँ केवल हाइड्रोजन है, यहां देखो प्लस आई के साथ साथ प्लस एम भी लग रहा है इधर साइड में। तो ये आपको चूज करना है कैसे क्या करना है, कैसे क्या जा रहा है, कैसे आपका नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आगे रीजन देखे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ऑक्सीडेटिव करवा दें, रिडक्टिव करवा दें। बस मेन मेरा काम क्या था कि आपको ओजोनोलाइसिस समझाना था, ठीक है, ओजोनोलाइसिस आपको समझाना था। तो आई थिंक आप ये सारी ओजोनोलाइसिस समझ गए, ठीक है। अब आगे देखो, आगे इसमें बहुत सारे रिएक्शन देखे ऐसे पूछ सकता है कि भाई कि आगे एन ए ओ अमाई दे दें, क्या कहते हैं आगे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह पढ़ा दें, ठीक है, नेव रिएक्शन पढ़ाया जाता है एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह, तो ये सब आपको पता होना चाहिए आगे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ओजोनोलाइसिस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेकिंग आप एल्कीन बॉन्ड को ब्रेक करना अपने आप में ही और उसको कीटोन में चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है लैब में। तो ये चैलेंज केवल जो एक्सेप्ट होता है ये अच्छे से ये केवल ओजोनोलाइसिस में ही ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज अदर किसी में इतना यील्ड नहीं आती जितना आप किसी एल्कीन बॉन्ड को कीटोन में चेंज करो, एल्डिहाइड में चेंज करो, तो वह ओजोनोलाइसिस में बहुत सेंसिटिव रिएक्शंस होती हैं, लोअर टेम्परेचर चलती हैं ये रिएक्शन पर बहुत ज़्यादा यील्ड देखी जाती हैं। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो मेरे पास ये हो ट्रिपल बॉन्ड सी आर हो, बताओ इसका अगर मैं ओजोनोलाइसिस करूं, ऐसे लिखूं कि इधर लिख दूं ओजोनोलाइसिस ऐसे Me2S और इधर मैं लिख दूं, इधर मैं लिख दूं कि मैं मान लो ओजोनोलाइसिस कर दूं ऐसे Me2S और सेकंड में मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं,
फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो आप देखना क्या होगा, देखो हम पीछे जो पढ़ रहे थे हम ऐसे ले रहे थे, एल्कीन थी हमारी, ऐसे एल्कीन थी। तो जब हम इसको ओजोनोलाइसिस, आपने ध्यान देना, ओजोनोलाइसिस जब हम कर रहे थे तो दो बॉन्ड तोड़ के यहाँ मैं ऐसे दो बॉन्ड तोड़ के एक ऑक्सीजन लगा रहा था। बेसिकली क्या कर रहा था, दो बॉन्ड तोड़ के एक ऑक्सीजन लगा रहा था, नहीं लगा रहा था। तो यहाँ भी सबसे पहले काम क्या करूँगा, सबसे पहले काम दो बॉन्ड तोड़ के, ओजोनोलाइसिस में हमेशा यही ध्यान देना कि दो बॉन्ड टूटेगा तो पहले दो बॉन्ड मैं तोड़ दूंगा ओजोनोलाइसिस पहले प्रोसेस में। तो दो बॉन्ड जब तोड़ दूंगा तो डाई ऑन बना नहीं बना, यहाँ से देखो डाई ऑन बना नहीं बना, डाई कीटोन वही, मतलब ऑन आपका यूपीएससी हो गया कीटोन, नॉर्मल क्या कहते हैं नॉर्मल नेम हो गया। तो इसमें भी पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप में जो ये जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइज होगा तो इसमें आपका ये बना। अब फिर आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है, जब आप इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं कराए हो तो ये यहीं पे डाई ऑन पे रुक जाएगा, ठीक है इसका ऑक्सीडेशन होके। लेकिन आपने हाइड्रोलिसिस कराया है, तो हाइड्रोलिसिस कराएगा तो आपको पता है कि हाइड्रोलिसिस क्या करता है, भाई ये कहा न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, तो ये क्या करता है, ये H3O+ होगा तो इसका जो लोन पेयर है, पहले एक हाइड्रोजन ले लेगा, तब एक हाइड्रोजन ले लेगा तो ये H+ यहाँ हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, अब वाटर फ्री हो गया, वाटर फ्री हो गया तो वाटर इस पर अटैक करेगा। जब इस पर वाटर अटैक कर देगा तो RCOH और ये OH और ये वाटर अटैक किया। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ R ये हुआ। अब देखो फिर वही बात कि भाई ये तो ये अब क्या करेगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे निकल गया। अब यहाँ से देखो क्या होगा, फिर दूसरा अल्कोहल होगा, वो भी दूसरा अल्कोहल होगा तो वो भी तो आपका ऑक्सीडाइज कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरे वाला भी इसको क्या कहते हैं ब्रेक करेगा। तो ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये एल्काइन का ओजोनोलाइसिस करने के बाद फॉरवर्ड बाय हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो बस शॉर्टकट बता रहा हूँ, इतना ध्यान रखना कि ये जैसे मान लो ये वाला अटैक किया यहाँ OH और यहाँ वाला OH अटैक किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस वाले को कमबैक करके यहाँ निकालेगा तो ये वाला यहाँ निगेटिव बनेगा, तो ये वाला क्या करेगा यहाँ निगेटिव बनेगा, तो यहाँ एक हाइड्रोजन रिसीव कर लेगा। तो ये दोनों ही एसिड तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो बस इतना शॉर्टकट तरीका याद रखना, बाकी बहुत लंबा आपको ओजोनोलाइसिस कराओगे बहुत लंबा मैकेनिज्म आता है, बस इतना ध्यान देना कि जब भी आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हो, कभी भी आप डाई ऑन आ जाए और आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है तो इतना ध्यान देना कि ये आपके पास ऐसे OH+OH और ये ध्यान देना, बस इतना बनता है, ठीक है, दोनों ही एसिड बनते हैं, ठीक है। ये OH इस पर अटैक किया तो इसको निकाला, तो ठीक है ऐसे निकल गया, तो यहाँ दोनों ही एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ये ध्यान दे रहना। बाकी बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है जिसको आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, बस हाइड्रोलिसिस कराना है, और इसलिए कभी ट्रांजिशन स्टेट तो पूछते नहीं आज तक, ठीक है, तो हमेशा प्रोडक्ट पूछते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, कौन सा एसिड बनेगा। अगर आप देखो जस्ट एक हाइड्रोलिसिस डिफ्रेंशिएट करने पे कि हाइड्रोलिसिस आपने नहीं किया तो आपका दो ऑन ग्रुप मिल गया, मतलब आपका क्या कहते हैं 1-2 कीटोन ग्रुप मिल गया, ठीक है। अगर जैसे आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपको दो एसिड मिल गया, तो यही मान लो, चलो R- कर लो इधर, ये R- लिख लो, ठीक है, तो इधर R- हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें हमेशा क्या कहते हैं फॉलो करना है चीज़ों को, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमम ओजोनोलाइसिस का जो पार्ट था बस खत्म होने वाला है थोड़ा सा, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास ऐसे कोई RCH2 और आपसे NO2 करके पूछ लो, और इसमें बोल दें कि मान लो पहले पे हम डाल दें बेस, सेकंड पे हम करा रहे हैं ओजोनोलाइसिस। कभी कभी ओजोनोलाइसिस, ध्यान देना, ओजोनोलाइसिस लिख के भी देते हैं, कभी कभी ओजोनोलाइसिस लिख के देते हैं, या बहुत लोग ओजोनोलाइसिस ऐसे लिखते हैं, सबका अपने लिखने के लिए जर्मन और इंग्लिश मतलब अमेरिकन एक्सेंट में, ये कई जर्मन वाले लिखते हैं, अमेरिकन वाले ये लिखते हैं, तो चाहे जो भी लिखा रहे दोनों सही है, ठीक है, वो जेड को इधर, ये जेड को ऐसे मान के चलते हैं ये वाले को, ठीक है, ठीक इस तरीके का है। तो अब देखो बेस आएगा, सबसे पहले एसिड लेके जाएगा, तो HD हाइड्रोजन कहाँ है, ये मान लो ये CH और H है, इधर आपके पास क्या है डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखो O निगेटिव है और सबसे पहले बेस आएगा, बेस मान लो, चलो मैं ले लेता हूँ बेस OME-, तो OME- क्या करेगा, OME- इसका प्रोटॉन लेगा, जब इसका प्रोटॉन लेगा तो ये क्या बना, RCH- और यहाँ देखो डबल बॉन्ड O और यहाँ O-, तो ये रेजोनेंस करना चाहेगा क्योंकि कार्बन पे निगेटिव और रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे निगेटिव बन जाएगा, भाई तो बहुत ज़्यादा अच्छा है,
ये ऐसे और यहाँ ओ निगेटिव और ओ निगेटिव, ये बोलेगा ओ हो भाई अभी तो फिर डबल बॉन्ड बन गए तुम डबल बॉन्ड बन गए, वो भी कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड बन गए कार्बन के साथ, तो इसका हाइड्रोलिस, इसका क्या कहते हैं ओजोन लिसिस होता है, तो ये बन जाता है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये बन जाता है आपके पास एन डबल बॉन्ड ओ ओ निगेटिव ओ निगेटिव, ठीक है, तो ये बन जाता है ठीक। तो ये आपका एन ओ थ्री टू निगेटिव एन ओ थ्री, तो यहाँ से देखो NO3 और फिर बाद में जो आपका OH लेके जाता है तो ये इसका ले जाता है H दे देता है, फिर यहाँ से ऐसे हो जाता है, तो ये HNO3 निगेटिव बन के रह जाता है ठीक है, जो H लिया होता है ये बेस, वो बाद में ये रिसीव कर लेते हैं तो HNO3 निगेटिव बन जाता है ठीक है। तो ये बंधन क्या बना, एक तरीके से हमने NO2 से कहाँ कन्वर्ट कर दिया, ध्यान देना NO2 से अगर मैं देखा जाए तो ये बॉन्ड मैंने ब्रेक करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, ये ध्यान दिए रहना, बहुत ही काम का चीज़ है ठीक है, बहुत ही काम का ये चीज़ है ठीक है, कि ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। मान लो अभी ऐसे ले लें, ऐसे R R एक H, H मैंडेटरी है क्योंकि H रिसीव कर रहा है, H होना मैंडेटरी है ठीक है, NO2, तो जब इस पर आप वही सेम बेस डालोगे, पहले मान लो पहले बेस डाल दिया आपने और सेकेंड नंबर पर आपने करा दिया इधर ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस तो इसमें कीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा कीटोन, कीटोन बन जाएगा ठीक है, कीटोन बन जाएगा ठीक। तो ये पीछे भी मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, उनको कंपेयर करना ठीक है। अब इसमें मान लो टर्सरी हो गया, तो टर्सरी हो गया तो भाई अब तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि हाइड्रोजन जा ही नहीं सकता, सेम वही रीजन डाल दो, तो इसमें नो रिएक्शन ठीक है, तो ये नो रिएक्शन होता है ठीक। तो ये देख लेना कैसे, क्योंकि भाई जब बेस आएगा कोई हाइड्रोजन लेके नहीं जाएगा, जब हाइड्रोजन लेके नहीं जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, जब डबल बॉन्ड बनेगा नहीं तो किस बात का रिएक्शन होगा, तो भाई रिएक्शन ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, तो आई थिंक जितना भी ओजोनोलाइसिस आपको पढ़ना था वो सारी ओजोनोलाइसिस आपने तो अच्छे ढंग से ख़त्म कर लिया ठीक है। तो अब बस ऑक्सीडेटिव, अब बस आपको बचा है क्रोमियम बेस्ड रीजन बचे हुए हैं ठीक है, कुछ मिसलेनियस रीजन बचे हुए हैं, और क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पे कैसे मैक्सिमम वाले आपके हाइड्रोकार्बन्स को KNO4 में डिस्कस कर दिया है आपको, बस मतलब 20% 30% आपका बचा हुआ, 70% जो आपका ऑक्सीडेशन है वो आपका खत्म होने के कगार पे है ठीक है।